अपोजिशन की ओर से सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भर्तियों का मसला उठा दिया गया है। बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड्स के साथ देखिए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि रोजगार की गारंटी को लेकर इनकी ओर से उल्लेख किया गया है। पिछले कल मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें उनका मानना है कि 1 लाख सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने का वायदा नहीं किया गया था। अब भाजपा का ये मानना है कि अपनी बात से कांग्रेस सरकार मुकर रही है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि पिछले कल कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की ओर से भी भर्तियों को लेकर मसला उठाया गया है। रिजल्ट अभी तक घोषित क्यों नहीं किया गया, यही सवाल बार बार विधायकों की ओर से सदन में उठाया जा रहा है और विपक्ष की ओर से आज इस पर बड़ा हंगामा बरप चुका है। आप ये फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, जहां गारंटी को झूठा बताया जा रहा है भाजपाइयों की ओर से। ये वाला छोड़ देना, ये अंदर ही करेंगे, रेफरेंस दे देना। सुक्खू सरकार की गारंटी पर आज आपने सवाल उठाए हैं, क्या बजट पर कुल मिलाकर के अब प्रश्न सुक्खू सरकार का नहीं है। पहला बजट जिसमें झूठ के सिवाय कुछ भी साबित नहीं हुआ, 1 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद पहले बजट की तमाम घोषणाएं अभी योजना का रूप ही नहीं ले पाई, जमीन पर अभी तक आ ही नहीं पाई। और उसके बाद दूसरा बजट अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किया है, उसमें अधिकांश वही बातें जो पहले बजट में इन्होंने कही थी, उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोशिश करके एक प्रयास किया है, फिर से वही झूठ की बातें की है। हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दी, और वो साबित हो गया कि 14 महीने बीतने के बावजूद भी उसमें आप एक भी गारंटी को पूरा करने की परिस्थिति में नहीं। उसके बाद दूसरा झूठ जो पहला बजट दिया, उसमें भी आपने झूठ बोल करके लोगों को बहुत लोक लुभावनी बातों को कह करके गुमराह किया और जमीन पर उसमें कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद 1 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन एक भी योजना उस बजट में से लागू नहीं हो पाई। उसके बाद जो दूसरा बजट अभी हाल में आया है, उसमें भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। और इसलिए बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के दौरान हमारा फोकस आज का प्रमुख रूप से इसी बात पर है, और कितना झूठ बोलोगे और कब तक झूठ बोलते रहोगे। आज तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने झूठे आश्वासन नहीं दी, इतने झूठे वादे नहीं किए, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इसलिए हम आज विशेष तौर से अपने इस विधायक दल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से, सभी प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश में जो लूट की छूट पिछले 1 साल से मिली है, भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है, और विशेष तौर से जो करीबी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पद पर है, चुनिंदा लोग जो है उस सारी इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह करके गए, इंडस्ट्री सेक्टर को, इंडस्ट्री हिमाचल से नमस्ते करके बाहर निकल गई। लोगों को रोजगार दिया गया, जो कहा था कि 30,000 नौजवानों को बजट में कहा था, अपने गारंटी में तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और उसके बाद 5 साल में 5 लाख नौकरी दे दी जाएंगी। और उसके बाद आगे बढ़ करके बजट में, ये पहले बजट में कहा कि 30,000 नौकरियां दे दी जाएंगी, जिन बच्चों ने नौकरियों के लिए एग्जाम दे रखे हैं, क्वालिफाई किए हैं, रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक उनका, और उसके बाद वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 14 महीने बीत गए,
आज प्रश्न पैदा होता है कि सभी बेरोजगार सड़कों पर हैं, आउटसोर्स वाले सड़कों पर हैं, कर्मचारी सड़कों पर हैं, पेंशनर सड़कों पर हैं, और ऐसी सारी बातों को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो झूठे वादे किए गए थे, जो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें से एक भी चीज कहा कि हम 6 ग्रीन कॉरिडोर हम शुरू करने वाले हैं, तो एक भी कॉरिडोर शुरू हुआ क्या? एक भी ट्रक ई ट्रक जो है खरीदा गया क्या? एक भी ई बस किसी ने खरीदी है क्या? देखिए, क्योंकि एक ही बात बार बार विपक्ष की ओर से कही जा रही है कि गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले सभी लोगों को, और आज सदन में ये कुछ एक मुद्दे उठाने वाले हैं जिसमें बेरोजगारी और आउटसोर्स जैसे मसले एक बार फिर गूंजने वाले हैं। देखिए, भाजपा विधायक राकेश चंबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सर लगातार आपकी ओर से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है, भर्तियों को लेकर भी जब आपने सवाल किया तो क्या जवाब उसमें आपको मिला था और क्या आप संतुष्ट हो पाए उस जवाब से? रोजगार के मामले को लेकर सरकार की डीलिंग प्रैक्टिस जिसको मैं बार बार कर रहे हैं, हर मौत को डिले करना, आप देख रहे हैं कि लोगों बच्चों ने टेस्ट दिए हैं उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और जब कल भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने नेता प्रतिपक्ष ने सारे मुद्दे को उठाया तो अंदर मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि हमने कहीं नहीं कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हम 1,00,000 युवाओं को नौकरी देंगे, हमने रोजगार की बात कही थी। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि हम पेपर जो है आपका घोषणा पत्र जो है वो हाउस के टेबल पर ले करेंगे और आज उसको करने वाले हैं, हम उसकी कॉपी भी लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन के बाहर तो नेता झूठ बोलते हैं लेकिन सदन के अंदर ये कांग्रेस के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। और रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है, आउटसोर्स कर्मियों को निकाला जा रहा है और जिन लोगों के इंटरव्यू हो गए, रिजल्ट निकल गया, उनको अभी तक पोस्टिंग भी दी जा रही है। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा समय जैसे निकलता जाए उसको डिले करने का प्रोसेस जो सरकार की, क्योंकि सर आउटसोर्स को लेकर एक जवाब कल मुख्यमंत्री की ओर से ये भी दिया गया कि भाजपा वालों ने इन्हें भर्ती कर दिया बगैर नियम बनाए हुए, तो अगर नियम बनाए जाते तो शायद आज उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, बार बार उन्हें एक्सटेंशन देनी पड़ रही थी, इस तरह के प्रावधान करने पड़ रहे थे, इसीलिए आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया गया है। हर बात को पूर्व की सरकार के सिर मढ़ना ये वर्तमान सरकार की स्ट्रेटजी है। क्या नियम होते हैं आउटसोर्स भर्तियों के लिए? सरकार ने आउटसोर्स एजेंसी को हायर किया और जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनकी उनको नियुक्ति आउटसोर्स आधार पर दे दी गई और वो लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे। हमने आज भी कहा कि अगर कहीं पर कोई चूक हुई है पूर्व की सरकार से, अगर आपको ये लगता है कि उसमें कोई अमेंडमेंट आनी है, कोई नीति बननी है, तो वर्तमान सरकार क्या कर रही है? आपका भी कोई फर्ज है, आपका भी कोई दायित्व है। अगर वो 10,000 के लगभग युवा जो आउटसोर्स पर हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे उनको आपने घर बिठा दिया, उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। सरकार कहीं भी संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन सरकार है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये झूठ की नीम पर बनी हुई सरकार विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी हमेशा झूठ बोल रही है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर, बहुत बहुत